ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर ईवीएस बुक चैप्टर नंबर 10 कुकिंग फूड पेज नंबर 63। जल्दी से अपनी अपनी बुक्स निकालो, पेज नंबर 63 चैप्टर नंबर 10 कुकिंग फूड निकाला आप लोगों ने क्लास। चलिएगा क्लास आगे चलते हैं। अभी तक हमने आपका लास्ट चैप्टर हमने रीड करा था डेफिनेट सोर्सेज ऑफ फूड और वो हमने फुल फ्लेज कंप्लीट कर लिया है। और क्लास जो मैंने चैप्टर नंबर 9 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड की जो एक्टिविटी दी थी वो आप लोगों ने अपनी अपनी स्क्रैप बुक्स में कर ली है। जिन बच्चों के पास स्क्रैप बुक है वो अपनी स्क्रैप बुक में कर लेना, बच्चों के पास स्क्रैप बुक नहीं है वो अपनी कॉपीज में कर लेना, ठीक है क्लास। ओके नाउ पेज नंबर 63 कुकिंग फूड, खाना पकाने का तरीका, कुकिंग फूड। आप सब लोग पका हुआ ही खाना खाते हैं, कोई रॉ मतलब मींस दैट रॉ चीजें भी खाते हैं बट मोस्टली हम सब वेजिटेबल सब्जी रोटी दाल चावल पके भी खाते हैं, कच्चे तो नहीं खाते। तो वो कैसे पकते हैं? गैस से कुछ सब्जियों को हम बॉईल करके कुक करते हैं, कुछ सब्जियों को हम रोस्ट करके बनाते हैं, कुछ सब्जियों को हम स्टीम करके बनाते हैं, बॉईल मतलब स्टीम मतलब उसको हल्की भाप दे के बनाते हैं, कुछ चीज़ों को हम फ्राई करके बनाते हैं, कुछ चीज़ों को हम शैलो फ्राई करते हैं मतलब ज़्यादा तेल नहीं होता पर उसको आगे पीछे से पलट के हम उसको थोड़ा सा तलते हैं। तो ये सब आपके क्या है प्रोसेस है किस चीज़ के खाना बनाने के फूड के, ये सब क्या है आपके प्रोसेस है। आप लोग सब हम पका हुआ भी खाते हैं कच्चा भी खाते हैं। कच्चे में हम रॉ में क्या खाते हैं? हम रॉ में कुकम्बर खाते हैं तो रॉ वेजिटेबल है, रेडिश खाते हैं, कैरेट खाते हैं, बीटरूट खाते हैं, ये सब क्या है आपके रॉ है मतलब कच्चे खाना है, कच्चे चीज है जो हम खाते हैं। और हम इनको पका के भी खाते हैं मीन्स दैट इनको कुक करके भी खाते हैं, कैरेट की भी वेजिटेबल सब्जी बनती है, रेडिश की भी बनती है, बीटरूट की भी बनती है, क्यूकम्बर की भी सब्जी बनती है। तो हम इनको रॉ भी खाते हैं और कुक करके भी खाते हैं। तो अब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि हम किन किन प्रोसेस से अपने फूड को खाने को पकाते हैं बनाते हैं और फिर खाते हैं, ठीक है क्लास। कुक्ड एंड रॉ फूड, कुक्ड मतलब पका हुआ खाना, रॉ फूड मतलब कच्चा खाना। हम पका हुआ कच्चा दोनों ही खाने को खाते हैं। पके हुए हम क्या खाते हैं? हम दाल खाते हैं, ठीक है, हम दाल को पका के खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और हम चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? हम पका के खाते हैं। और रॉ में क्या खाते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि हम सैलड्स खाते हैं तो वो हम रॉ खाते हैं, उन सैलड्स में हम कुछ लीव्स वाले लीव्स भी खाते हैं। आपको पता है एक लेटस लीव्स आती है जिनको कच्चा ही खाया, वो लीव्स हम सैलड में खाते हैं, क्यूकम्बर कैरेट रेडिश बीटरूट अनियंस हो गए और आपकी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो हम रॉ खाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं हम कुकिंग इज अ प्रोसेस बाय विच फूड बिकम सॉफ्ट टेस्टी एंड इजिली डाइजेस्टेबल। कुकिंग क्या है? कुकिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके थ्रू हमारा जो खाना होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, टेस्टी बनता है, उसमें स्वाद आ जाता है एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। और हम उसको ईजिली जैसे ही खाते हैं तो हमें डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कच्चा सा कच्चा पक्का अच्छा चीज़ें खा लेते हैं तो स्टमक में पेन होने लगता है बिकॉज वो डाइजेशन में टाइम लगाता है। तो कुकिंग क्या है? कुकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारा खाना सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी और ईजिली हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। कुकिंग ऑल्सो किल्स द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। और कुकिंग के प्रोसेस से खाना बनाने के तरीके से क्या होता है? जो उसमें कीटाणु होते हैं खाने में उससे हम क्या उसको कुकिंग के थ्रू मार देते हैं। जैसे कि कॉलीफ्लावर होती है, कॉलीफ्लावर आपकी लीफी वेजिटेबल है तो कॉलीफ्लावर को जब भी हम बनाते हैं, आपने अगर घर पे नोटिस करा हो या आपकी मम्मा करती हो तो हम कॉलीफ्लावर को पहले करके पीसेस में उसको हल्के से नमक के पानी में बॉईल करते हैं बिकॉज उसमें जो व्हाइट कलर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीड़े होते हैं वो तुरंत बाहर आ जाते हैं और अगर वो कीड़े हमारे बॉडी में जाएंगे तो वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो जैसे लाइक कॉलीफ्लावर है, स्पिनिच है, स्पिनिच को हिंदी में कहते हैं पालक, फिर पालक को भी हम पहले उसको हम कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में एंड आफ्टर दैट हम उसको वॉश करते हैं फिर बॉयल करते हैं। बॉयल से क्या होता है? जो भी उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें नहीं दिखाई देते बैक्टीरिया वो मर जाते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसको फिर हम क्या करते हैं खाने में यूज करते हैं। तो बहुत सारी वेजिटेबल्स है जिनको हम पहले थोड़ा सा बॉयल करते हैं
बॉइल करने के बाद उससे क्या होता है, उसका जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो गंदगी होती है वो हट जाती है, उसके बाद वो हमारे लिए खाने के लिए प्योरली सेफ होती है। अगर हम वो गंदी वेजिटेबल्स खा लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है तो स्टमक एक हो जाता है या फिर स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू कच्चा खाने से या गंदी चीज़ों को खाने से। ठीक है, वी ईट मेनी फूड आइटम्स, हम बहुत सारी फूड आइटम्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, रॉ कच्ची खाते हैं, दैट इज विदाउट कुकिंग, जिसको हम पकाते नहीं, लाइक क्यूकम्बर, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, चेरी टमाटो, लेटस लीफ, और हम क्या खाते हैं, और क्या खाते हैं, और हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं कच्ची, जैसे आपकी ककड़ी हो गई, ककड़ी आप खाते हो ना गर्मियों के टाइम पे, ककड़ी आते हैं, कुकुम्बर आता है, तो हम ये खाते ना, क्या खाते हैं, कच्ची खाते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स होती है जिसको हम कच्चा भी खाते हैं। बट वी नीड टू कुक सम फूड आइटम बिफोर ईटिंग देम, बट हमें कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनको हमें पकाना पड़ता है उनको खाने से पहले, लाइक पोटैटो, पोटैटो कच्चा नहीं खा सकते, कॉलीफ्लावर को कच्ची नहीं खा सकते, पम्पकिन नहीं कच्चा खा सकते, पम्पकिन भी कच्चा होता है आप नहीं खा सकते, लेडी फिंगर भी नहीं खा सकते, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि खाने के पहले उन चीज़ों को हमें पकाना पड़ता है, अगर हम उनको कच्चा खाएंगे तो हमारे स्टमक में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक पढ़ो कुक्ड एंड रॉ फूड, ठीक है, पहले यहाँ तक रीड करो क्लास कुक्ड एंड रॉ फूड तक, फिर हम आगे चलेंगे। रीड इट टिल हियर क्लास, यू हैव 2 मिनट्स। खाने
खाने को पकाते हैं। तो आपका इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट दी मेथड्स, राइट दी मेथड्स, राइट दी डिफरेंट मेथड्स, राइट क्लास लिखा रियल राइट इट नीटली इन योर कॉपीज। जैसे जिनके घर आरोस नहीं है या पहले के टाइम पे जब आरोस नहीं होते थे तो लोग
पानी को बॉईल करके प्रिजर्व कर लेते थे, रख लेते थे। तो जब वो पानी बॉईल हो जाता था, जितने भी जर्म्स थे वो सारे मर जाते थे, और मरने के बाद उस पानी को आप, वो सेफ था आपके ड्रिंकिंग के लिए, आपके पीने के लिए। तो वो क्या होता था, प्रिजर्वेशन। तो बॉइलिंग क्या है, प्रिजर्वेशन में चीजों को लंबे समय तक रखने के लिए हमें चीजों को बॉइल करना पड़ता है। जैसे कि हम अचार खाते हैं, तो अचार में कुछ चीजें होती है हमें थोड़ा सा हल्का सा बॉइल करना पड़ता है, ताकि वो जल्दी से अचार बन जाए और वो हम इजिली डाइजेस्टेबल हो सके। तो कुछ चीजों को हम थोड़ा सा हल्का सा बॉइल करके फिर हम उनका अचार बनाते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग क्या है, मिल्क इज बॉइल्ड टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जो मिल्क है उसको हम क्या करते हैं, बॉइल करते हैं ज्यादातर ज्यादा लंबे टाइम के लिए, एंड मेक इट फ्री फॉर एनी काइंड ऑफ जर्म प्रेजेंटेड। और जो भी इसमें जर्म्स होते हैं वो बॉइलिंग के थ्रू मर जाते हैं। वी कैन कुक राइस, राइस को हम कुक करते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स को भी हम कुक करते हैं बिफोर खाने से। नेक्स्ट है आपका बेकिंग। क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग क्या होता है, हम केक बेक करते हैं, केक को हम गर्म हवा में बेक करते हैं, मतलब उसको एक कंटेनर में रख के या बेक करा जाता है गर्म हवा के थ्रू, तो उसमें फुलावट आ जाती है, वो फूल जाता है। तो केक ब्रेड बेक्ड इन ओवन, ये कहाँ बेक होते हैं, ओवन में होते हैं, गर्म हवा में ओवन। फिर आते हैं रोस्टिंग, मतलब भूनना। बैगन, बैगन का भरता खाते हो आप लोग, ब्रिंजल का। बैगन के भरते के पहले आप बैगन को क्या करती है, मम्मा भूनती है, भून के ही उसकी सब्जी बनती है। तो कुछ चीजों को हमें खाने से पहले भूनना पड़ता है, ताकि वो हमें टेस्ट दे, अच्छा टेस्ट दे और अच्छा एक फ्लेवर आए। तो चिकन एंड पनीर आर रोस्टेड ओवर डायरेक्टली, और चिकन और पनीर को डायरेक्टली हीट पे आप रोस्ट कर सकते हो खाने के पहले। डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू हम कुक कर सकते हैं। यहाँ तक एक बार अच्छे से करो आप लोग, रीड इट टिल हेयर क्लास। You have 1 minute to read it. तक रीड करना, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।